सबसे पहले तो मैं दीपावली के इस शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को एवं पूरे बिहारवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे तो पूरे अयोध्या में घी का दिया जलाया गया था। उसी समय से दीपावली पर्व जो है पूरे भारतीय संस्कृति में व्याप्त हो गया और हम लोग उसको हर साल एक दीप के त्यौहार के रूप में मनाना शुरू कर दिए। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहूँगा कि हमारे फौजी जवान जो बॉर्डर पे दिन रात भारत माता की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, जिनके कारण आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, उन्हीं जवानों के लिए मैं यह दीपक लेकर खड़ा हूँ और उन्हीं जवानों के सम्मान में मैं यह दीपक जला रहा हूँ। अपना पूरा परिवार के साथ, अपने गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जो टीम है उसके साथ मैं दीपावली पूरे जवानों के लिए मना रहा हूँ और उसी जवानों के लिए मैं दो शब्द उनके सम्मान में कहना चाहूँगा कि किसी के गजरे की खुशबू को महत्ता छोड़ाया हूँ, अपनी नंगी सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ। अय भारत माता, मुझे अपने सीने से लगा लो, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय। अभी देखा हमारे टीम के एक सदस्य पंकज जी, बहुत अच्छा बोले। हम लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से और मैं अपने पूरे देशवासियों को इस दीपावली महापर्व पर सभी को फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ में जैसा कि पंकज जी ने भी कहा, हम लोग जो अभी खड़ा है यहाँ पर माँ लक्ष्मी के सामने अभी उत्सव कर रहे हैं, तो हम लोग बस एक सैनिकों के सम्मान में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनके और अपने पूरा परिवार की ओर से सैनिकों के सम्मान में हम लोग खड़े हैं, उनके नाम पर एक दीप जला रहे हैं ताकि वो वहाँ है, हम लोग यहाँ सुरक्षित और हर पर्व अपने खुशी हर्षोल्लास अपने परिवार के साथ मनाते हैं। एक बेटा जब घर में नहीं आता है तो उसकी माँ पर क्या गुजरती है, उस माँ से पूछे, एक बहन से पूछे, जब उसका भाई किसी पर्व में नहीं आता है तो क्या होता है, एक औरत से पूछे जिसका पति छुट्टी में घर नहीं आता है परम में, तो उससे क्या गुजरता है, एक बेटा से पूछे जिसका बाप बॉर्डर पर अभी भी तैनात होगा और बेटा जब छोटा रहता है तो उससे क्या गुजरता है। ये बात एक सैनिकों के सम्मान में वो लाइन मैं बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान देखिए, पसंद आए तो ज़रूर आप भी सैनिकों को हमेशा सम्मान करें, अपने देश को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करें। मैं कहना चाहता हूँ कि एक सैनिक बर्फ में चट्टान की तरह खड़ा है, बर्फ में है पांव, आंखों में शोले जल रहे, दुश्मनों को देख दिल के भगोले जल उठे, है अकेला मगर सब मारने के लिए जीत अड़ा है, अपने सब अरमान आंखों में तिरंगों में है, दिए सिए खड़ा है, सर्दी गर्मी बरसात भला कब हटा है, गोलियों की गुल से भला कब पीछे हटा है। और कहना चाहता हूँ, माँ की खून की आज जरूरत पड़ गई, तब उसकी सीना तोपों के आगे आकर सन गई, है अकेला मगर फर्ज में किसी मंत्री से बड़ा है, एक सैनिक बर्फ में चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, आप देश के सम्मान में एक दिया कैंडल जरूर जलाएं और मैं एक सब अपने माँ बहनों के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जो आप जो हमारी सम्मान करें, आगे बढ़ाएं, विकास विकसित करने में बहुत हमको मदद करें। मैं बेटियों के सम्मान में चार लाइन बोलूँगा क्योंकि बेटियाँ ही भगवान का वरदान है। बेटियाँ ही पुराने खिड़कियों को खोलती है। बेटियाँ जिस घर में रहती है उसकी दीवारें बोलती है। बेटियों ने तो बहुत ही नाम, बेटियाँ जिस घर में है उन्होंने तो नाम कमाया है, मीरा बनकर जहर का प्याला पिया है, तलवार लेकर हाथ में लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा ने सारे विश्व के आगे सनी है, ऐसमन ने सारे जहां को जीत लाई। सानिया साक्षी मलिक ने खेल के मैदान में सुर लता मंगेशकर के सुर समंदर बोलते हैं, मूर्ख है जो लोग बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। तो साथियों, इस दीपावली पर भी माँ लक्ष्मी की जिस प्रकार आप पूजा आराधना कर रहे हैं, आप हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उसका भी सम्मान करें, देश राष्ट्र को विकसित बनाने में हमेशा सहयोग करें। आप एक या एक कैंडिडेट अपने देश के जवानों के नाम बनाएं। जय हिंद, जय भारत।
Yeah.